हरे कृष्ण हरि बोल हरे कृष्ण हरि बोल हरे कृष्ण जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी बोला जय राधा माधव जय जय गोपी जन बल्लभ जय गिरिवर धारी जय गोपी जन बल्लभ जय गिरिवर धारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय जसोदा नंदन जय ब्रज जन रंजन जय ब्रज जन रंजन जय जसोदा नंदन जय जय जसोदा जीवन जय ब्रज जन रंजन जय ब्रज जन रंजन जय जय दामन तिरबन चारी जय कुंज बिहारी जय जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम
राम रामा हरे 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 कृष्णा ज्ञानांजन शलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय इष्टदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। पञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतुसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय वृंदाई तुलसी देवी प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रज देवी सत्यवतई नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 बल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोदर सत श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोदर सत श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी सभी को मैं यथाजुग प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। गतकल हम लोग श्रवण कर रहे थे कैसे एक दूध आहारी फल आहारी एक सज्जन कैसे ब्राह्मण नवद्वीप में निवास करते थे, वो थे ब्रह्मचारी, लेकिन सर्वगुण रहते हुए भी जब उन्होंने महाप्रभु का नृत्य कीर्तन दर्शन करने के लिए चाहा, लेकिन महाप्रभु ने उनको मना कर दिया, क्योंकि दूध पीने से फल खाने से ब्रह्मचर्य रहने से और तपस्वी होने पर भगवान नहीं मिलते हैं, कहते केवल भक्ति रवस चैतन्य गोसाई, भगवान केवल भक्ति को द्वारा ही भगवान वशीभूत होते हैं, कर्म ज्ञान योग तपस्या के द्वारा भगवान वशीभूत नहीं होते। अगर हमारे अंदर में कोई भी गुण नहीं हो, केवल एक ही गुण हो भक्ति भगवान के प्रति, केवल प्रेम ही अगर एक गुण हो जाए ना, भगवान उसी में ही भगवान रीझ जाते। लेकिन अगर हमारे अंदर में सारे गुण हैं, लेकिन भगवान की भक्ति नहीं, कदो सारे गुण क्या हो जाएगा, सब के सब बेकार हो जाता है। इसलिए केवल इसी जगत में देखो सब दुनिया प्रेम चाहते हैं। क्या चाहते हैं? अगर सब कुछ घर में है, धन दौलत पुत्र परिवार दुनियादारी संसार की सारी चीज दुनिया में है तुम्हारे घर में, लेकिन घर में प्यार नहीं, घर में प्रेम नहीं, भालवासा नहीं, फिर क्या होगा? सब बेकार है, सब घर सब बेकार है,
धन दौलत पुत्र परिवार सब कुछ बेकार है, लेकिन घर में ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन आपस आपस में प्रेम है, प्रीति है, प्यार है, लोग अपना जीवन को बिता देते हैं। इसलिए मैं नहीं, ठाकुर भी किस चीज को, ठाकुर जी को प्यारा है प्रेम। ठाकुर क्या चाहते हैं, मेरे को तुम्हारे अंदर में कुछ भी नहीं हो। हाँ, देखना है कि छोटा बच्चा जब अपना तोतली तोतली बोली से पापा पापा मामा मामा आधा आधा बोली में बोली बोलता है ना, पितामा सुनकर कितने खुश हो जाते, नाना नानी तो उसको दोनों दोहराने लग जाते, देखो हमारा छोटा बच्चा कितने प्यारी बच्चे ने बोलता है, हैं आधी आधी बच्चे ने। इसलिए हम कल गत कल ये सब कथा को हम श्रवण कर रहे थे, कहते आज हम लोग श्रवण करेंगे, आज हम लोग श्रवण करेंगे कैसे श्रीमान चैतन्य महाप्रभु अपना भक्तों को बुला करके कैसे ही हरे कृष्ण महामंत्र हरि नाम करने के लिए उन्होंने कैसे उपदेश दिया है। बोले दिवस है ले सब नगरिया गण, प्रभु देखी वारे तबे करे नगमन। इसलिए दिवस है ले सब नगरिया गण, जब सवेरे होता है कहते श्री नवद्वीप धाम में जितने महाप्रभु का भक्त लोग क्या करते हैं, सबके सब महाप्रभु को दर्शन करने के लिए, सबके सब दर्शन करने के लिए आते हैं। लेकिन जब दर्शन करने के लिए आते हैं, एक कुछ नियम है, क्या नियम है, कहते गुरु वैष्णव भगवान का दरबार में कभी भी खाली हाथों में कभी नहीं जाने चाहिए, कुछ ना कुछ लेकर के साथ में जाओ। है कहते भगवान के दरबार में, गुरु जी के दरबार में खाली हाथ में कभी मत जाओ, कुछ ना कुछ हाथों में तुम्हारी होनी चाहिए। हैं इसलिए जितना देते हैं ना उतना बढ़ता है, जितना देते हैं उतना। एक उदाहरण दिया, जैसे नाव में पानी भर गया, फिर वो नाविक क्या करता है, वो केवट क्या करता है, पानी को निकालना शुरू करते हैं, निकालना शुरू कर देते हैं। अरे नहीं निकालेगा तो क्या होगा, फिर नाव डूब जाती है। कहते यही बुद्धिमान का काम है, नाव में पानी भरने पर जैसे वो उसको निकालने लग जाते हैं, उसी तरह घर में अगर पैसा आता तो क्या करनी चाहिए। शास्त्र में तो बताए एक चौथाई अंश है, नहीं तो 10% उसको क्या करो, उसको किसी अच्छे काम में लगाओ, उसको किसी अच्छे काम में लगाओ। अच्छे काम मतलब क्या है, भगवान की सेवा, साधु संत की, गुरु वैष्णव की, कोई अच्छे काम में ये चीज को लगानी चाहिए। क्यों, कहते अर्थ का जो अधिष्ठात्री देवता ये लक्ष्मी है, ये लक्ष्मी कब प्रसन्न रहती है, कब प्रसन्न रहती है, जब लक्ष्मी नारायण की है, जब ये लक्ष्मी और नारायण की सेवा में लग जाती है ना, फिर लक्ष्मी संतुष्ट हो जाती, फिर आशीर्वाद देती, बेटा फलते फूलते रहो। तो ना इसी दुनिया में जब कोई व्यक्ति गरीबी होता है ना, वो गरीब गरीबी बढ़ते जाता है, लेकिन जब कोई व्यक्ति धनी होता है, धनी धनी दिन प्रतिदिन धन बढ़ते जाता है। इसलिए देखना बड़े बड़े जो टाटा बिरले बड़े बड़े जो लोग है ना, क्या करते थे, धर्मशाला बनाते थे, भगवान की सुंदर सुंदर मंदिर बनाते थे, अर्ण छत्र खोलते थे, दान दक्षिणा देते थे, देते थे। जैसे बैंक में तुम्हारी डिपोजिट है तभी तो तुमको मिलेगा, अगर बैंक में तुम्हारी है ही नहीं फिर मिलेगा कहां से तुमको। इसलिए जितना बिल बिलाओ तभी नहीं मिलेगा, इसलिए क्या करनी चाहिए, कुछ अंश है भगवान के दरबार में जब जाओ क्या करो, जिसने तुम्हें दुनिया दिया, संसार जिसका सब कुछ जिसने दिया, वहां जाओ तो कुछ ना कुछ हाथों में लेकर के जाओ, खाली हाथ में कभी मत जाया करो। है इसलिए फल विक्रियाणी है, फल विक्रियाणी ठाकुर जी, ठाकुर जी क्या दिया उनको, फल विक्रियाणी को उनने थोड़ी सी फल दिया, भगवान लेकर के धान गए, बीच में तो सारे धान गिर पड़ा, एक दो केवल धान रह गया तो टोकरी में डाल दिया, लेकिन उनने थोड़ी सी दिया, लेकिन फल विक्रियाणी ने क्या दिया, ठाकुर जी को उनने फल से हाथ भर दिया। लेकिन जो जब थोड़ी दूर जाती है ना, देखती है ये टुकड़ इतना भोजन कैसे हो गया, उसको उतार करके देखती है धान कौलत हीरे जवाहरातों से एकदम टुकड़ी भरा हुआ है। कारण क्या है, भगवान कहते हैं अगर तुम मेरे को कुछ दोगे ना, मैं उतना नहीं दूंगा, मैं तुमको ब्याज समेत ना। इसलिए मीरा कहती है दीन दीन बढ़त सवाय, इसलिए भगवान को जितने दोगे ना वो उतना ही तुम्हें देते रहेंगे, जितने ठाकुर जी के लिए दोगे ठाकुर उतना ही देते रहेंगे। इसलिए जब महाप्रभु का दर्शन करने के लिए जाते थे भक्त लोग, कोई खाली हाथ में नहीं जाते थे, क्या लेकर जाते थे,
कोई कला, कोई साथ में दही, कोई ठाकुर जी के लिए फूलों की माला, और ये सब लेकर के महाप्रभु को उपहार रूप में लेकर के जाते थे। अब देखना, जब भगवान रामचंद्र जब उनका वनवास हो गया, जब उन्हें निषाद राज्य में पहुंचे, उन्हें देखा क्या, जितने गांव वाले ना जो भगवान राम को दर्शन करने के लिए आए, कोई खाली हाथ से नहीं आए। उनको गांव में जो जो चीज मिलता है, वो चीजों को लेकर के आए। जैसे आज हमारे श्री श्याम सुंदर प्रभु जी आज गांव से आए, क्या लेकर के आए, झींगा लेकर के आए, केले लाए, पपीता लाए, और क्या लाए प्रभु जी, भेंडी लाए, और क्या लाए, कलर का करला लेकर के आए। गांव से आए तो गांव में यही नीति है, जब आए मंदिर में आते थे ना, आते हैं, कोई खाली हाथ में आता है, वो सबके सब गांव से जो जो चीज, हमारे भारत का यही नीति नियम है, जब भगवान के दरबार में जाए कोई खाली हाथ में नहीं जाते थे, भगवान के लिए कुछ ना कुछ लेकर, क्यों, जिसने सब कुछ दिया उसको देंगे तभी तो देंगे। इसलिए हमारे गाँव में क्या नियम है, जब कोई भिखे में कोई फल आता है, जैसे कोई झींगा लगाते, कोई गांव में खेती होता है ना, हमारे उड़ीसा में होता है ना, नवारना को उड़ीसा में क्या कहते हैं, नवारना को उड़ीसा में क्या कहते हैं, नुआखाई ना। जब पहला धान होता है हमारे देश में, जो धान होता था उसको, जो पहला जो उसमें चावल होता था उसको हमारे गाँव से जगन्नाथ मंदिर में आते थे, उसको उड़िया में क्या, उसमें किशमिश और खाई और काजू उसमें डालकर, दही दूध डाल करके चावल में, जो नया चावल आता है उसको में मिला करके जगन्नाथ जी को भोग लगता है और उसको लेकर जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, उसे आप नुआखाई। उसको सबके सब हमारे उड़ीसा में नियम है, जब कोई खेती में कोई पहला चीज होता है उसको लेकर के ठाकुर जी के लिए लेकर जाते हैं, क्योंकि ठाकुर जी ने ही दिया है, उनका आशीर्वाद से दिया है। इसलिए भागवत में कथा आती है, जिस समय पेड़ राजा ने आया बोल दिया, खबरदार मेरे देश में कोई भगवान की पूजा सेवा नहीं कर सकते, कोई हरि कीर्तन नहीं कर सकते, कोई यज्ञ नहीं कर सकते, राजा को अंदर में भगवान का निवास होता है, इसलिए मैं ही भगवान। क्या हुआ, पृथ्वी ने सब कुछ लुप्त कर दिया, जो कुछ पेड़ पौधा लगाते थे वो पेड़ ही नहीं होता है, खेती नहीं होता, वो पृथ्वी सब कुछ अपहरण कर लेती है। लेकिन जिस समय श्री दुनिया में हाहाकार मच गया है, क्योंकि अकाल पड़ गया, क्यों अकाल पड़ गया, राजा ऐसा आया जो नास्तिक राजा आया, भगवान के भजन से जिनका कोई मतलब नहीं, लेकिन देने वाले कौन है पृथ्वी, पृथ्वी माँ है, इसलिए माँ कभी कभी बच्चों को शासन करती है, अगर बच्चे गलत रास्ता में जाए ना शासन करती है। इसलिए जिस समय हाहाकार मच गया और दुष्ट राजा बेण आ गया, और उसने पालक में ऋषि मुनियों को उन्होंने कहार बना करके पालक में बैठ गया, बोले सर्प जल्दी चलो, बोले दुष्ट संतों का सेवा में लगा करके, बोले सर्प है तेरे को अभिशाप देता हूँ, तू भी सर्प बन जा। इसलिए कहते उसको बाद में आया फिर पृथ्वी महाराज आए, दुनिया में अकाल, कोई पेड़ पौधा वृक्ष कोई लगाए, पृथ्वी सब कुछ हरण कर लेते हैं। जब पृथ्वी महाराज को बोले, तब पृथ्वी महाराज ने उठाया धनुष पृथ्वी को, बोले तुमको तसना समय कर दूंगा, तुम क्यों हरण कर लेती हो। पृथ्वी प्रकट हो गई, बोले देखो पहले जो राजा था बेण, बड़ा दुष्ट राजा था, इसने भक्ति नहीं करने का वजह से मैं सब कुछ हरण कर लिया, अगर आप भक्ति करोगे, दुनिया को भक्ति कराओगे, फिर मैं सब कुछ दूंगा। इसलिए पृथ्वी को रत्ना कर कहती है, सब कुछ पृथ्वी से प्राप्त किया। इसलिए कहते भगवान को देने से जिस देश में है, इसलिए बृहद भागवतामृत कथा में आती है, क्या आती है, नारद जी जब उन्होंने प्रयाग में पहुंचे और उन्होंने ब्राह्मण का भक्ति को देखा, बोले आप सबसे बड़े भक्ति है, बोले मेरे अंदर भक्ति का भय नहीं, भक्ति देखना तो जाओ दक्षिण देश में जाओ, देखोगे क्या भक्ति, जगह जगह पर अर्ण छत्र खुला हुआ, जगह जगह पर भगवान के मंदिर, कहीं भी जाओ प्रसाद सर्वत्र, हरि कथा हरि कीर्तन सब जगह पर, यहाँ पर कोई पेड़ पौधा बोने का जरूरत नहीं, पेड़ से अब इतने केले इतने नारियल होता है अपने आप गिरता है और अपने आप वृक्ष होता है, कोई पेड़ लगाते ही नहीं और उसको खाकर खत्म नहीं कर पा रहे, कोई खाकर कोई पेड़ लगाते ही नहीं,
वो अपने आप जो सस्य होता है उसको ही लोग खा नहीं पाते। बोले कारण क्या? बोले कारण है जिस देश में भगवान की भक्ति हो, भगवान का नाम हो, भगवान का कीर्तन हो ना, वो पृथ्वी इस पर प्रसन्न रहती, खुश रहती है। बोले वाह, मेरे प्रभु की आराधना कर रहे हैं, मेरी प्रभु की आराधना कर रहे, प्रसन्न होकर के पृथ्वी इतना देती है, इतना पृथ्वी देती है, खा कर खत्म नहीं कर पाओगे। लेकिन जिस देश का राजा नास्तिक बन जाए, बदमाश बन जाए, दुष्ट बन जाए, तो देश का सर्वनाश हो जाता है, वो देश का सर्वनाश हो जाता है। इसलिए यहाँ पर भक्त लोग जब चैतन्य महाप्रभु को दर्शन करने के लिए गए हैं, जब दर्शन करने के लिए गए, सबके सब हाथों में कुछ ना कुछ महाप्रभु के लिए केला, दूध, दही है, मिठाई, सब ना कुछ लेकर गए। इसलिए हमारी भारतीय संस्कृति है, किसी जगन्नाथ मंदिर में भी जाते हैं, खाली हाथ में सहज में नहीं जाते, रास्ता में बिकते हैं, तुलसी बिकता है, फूल बिकता है, फल बिकता है, कुछ ना कुछ ठाकुर जी के लिए लेकर के जाते हैं, हैं? और ठाकुर जी की कुछ अगर नहीं हो प्रणाम बक्से में थोड़ा पैसा कुछ डाल करके आते हैं, ठाकुर जी तेरी कृपा से ही हम जिंदा है, तुमने सब कुछ दिए हो, इसलिए ठाकुर जी को कुछ। इसलिए महाप्रभु को दर्शन करने जब जाते हैं, सबके सब कुछ ना कुछ लेकर के जाते हैं। जब लेकर गए तब श्री चैतन्य महाप्रभु को भी कुछ दिए, बोले किया दिया। इतने में महाप्रभु ने बोला देखो तुम लोगों ने सबके सब भगवान का नाम करना, क्या करना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, जोर से बोलो, बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए महाप्रभु उनको बोले भगवान की नाम सबके सब जप करना है, इसलिए भगवान का नाम को छोड़कर कुछ भी नहीं करना, सबके सब हरि नाम करना। कोई प्रश्न करेगा, प्रभुपाद यहाँ टीका लिखते हैं, अगर कोई प्रश्न करेगा अरे भक्त लोग ने कोई दूध दही केला सब मिठाई लेकर के आए, अरे महाप्रभु क्या बोले, कुछ तो दिए नहीं, बोले हरे कृष्ण करो, क्या बोले उनको, क्या करो तुम लोग, क्या करो उनको, बस केवल भगवान के नाम ही जप करो, उन्होंने क्या दिया, कुछ ही नहीं दिया। इसलिए बोले यही तो बोलते, बोले गौड़ी मठ में क्या करते, भाई दिन भर हरे कृष्ण करते, चिंता चैतन्य लगा कर दिन भर मृदंग बजाते हैं और हरिवल बोलते रहते हरे कृष्ण, और क्या करते हैं, हैं? उन लोगों ने क्या किया दुनिया के लिए, कुछ किया, कुछ नहीं किया दुनिया के लिए, बस हरे कृष्ण करते हैं, हैं? इसलिए यहाँ प्रभुपाद कहते हैं अगर जीव अगर वास्तव रूप में परम मंगल चाहता है, क्या चाहता है, अगर जीव वास्तव रूप में चाहता है अपना परम मंगल हो, परम कल्याण हो, क्या करने चाहिए, कि जितने प्रजल्प को छोड़ करके, जितने दूसरी दूसरी कथाओं को छोड़ कर क्या करने चाहिए, कद हरि कथा है, क्या करने चाहिए, हरि कथा हरि कीर्तन करने चाहिए। कद अगर हरि कथा हरि कीर्तन करेगा तो क्या होगा, बोले विषय कथा प्रबल है अमंगल है। इसलिए जिस समय हम भगवान की कथा करते हम तो कुछ ना कुछ करेंगे, हमारा नेचर क्या है, कुछ ना कुछ मन का क्या काम, कुछ ना कुछ सोचेगा, मन का काम है सोचना। अगर ये मन को अगर हम हर समय भगवान की कथा कीर्तन अगर भजन में लगा कर रखेंगे तो क्या होगा, अपने आप ये विषय दूर हो जाएगा। लेकिन जब ये मन को कहीं नहीं लगाएंगे फिर तो मन कहीं ना कहीं लगेगा, मन का काम ही कहीं ना कहीं लगना, कहीं ना कहीं मन लगेगा, जब कहीं कहाँ लगेगा, अगर भगवान की भक्ति भी नहीं लगा तो विषय में लगेगा फिर। इसलिए अगर कहीं कांटा गड़ गया तो कांटा को निकालने के लिए दूसरा कांटा जरूरत है, हैं? इसलिए भी हमारी हृदय में विषय का कांटा गड़ गई, अगर वो कांटा को निकालता फिर दूसरे कांटा लाओ, बोले दूसरा कांटा क्या है, बोले भगवान की भक्ति। इसलिए भक्ति परेशान अनुभव विरक्ति अन्यत्र, पहले भक्ति उसके बाद में भगवत अनुभूति, भगवत अनुभूति होने पर तीसरा स्टेज में फिर विरक्ति अन्यत्र। इसलिए यहाँ प्रभुपाद कह रहे हैं अगर हर समय हम भगवत कथा हरि कथा करेंगे तो क्या होगा, कहते हैं फिर जो विषय कथा, फिर तो विषय कथा अपने आप छूट जाएगा। इसलिए कोई भी कहते ना काम छोड़ो, क्रोध छोड़ो, लोभ छोड़ो, मोह छोड़ो, सब छोड़ो छोड़ो छोड़ो, लेकिन महाप्रभु कहते छोड़ना नहीं जोड़ना, छोड़ना नहीं क्या करना, कोई चीज छोड़ने का जरूरत नहीं। काम किसने दिया, क्रोध किसने दिया, लोभ किसने दिया, भगवान तो दिया है ना, किसने दिया, भगवान ने दिया। जब भगवान ने सब कुछ दिया है इस चीज से क्या करो, ये सब चीज भगवान की सेवा में
लगा दो। इसलिए किसी चीज को छोड़ने का जरूरत नहीं, हमने कुछ लाए नहीं छोड़ेंगे क्या, हमने कुछ लाए नहीं, क्या करो भगवान की भक्ति में हर चीज को भगवान की भक्ति में जोड़ देनी चाहिए, जोड़ देनी चाहिए। इसलिए महाप्रभु ने क्या बोले, ये हरे कृष्ण महामंत्र को सबके सब बोले प्रभु बोले कहिला, यही महामंत्र यह जप किया सबे करिया निर्बंध, और यह है ते सर्व सिद्धि है वे सवार सर्व क्षण बोलो थे। अभी इसी विषय के ऊपर में ना कुछ कुछ दूसरे दूसरे संप्रदाय में बहुत लड़ाई झगड़ा है, जैसे कुछ सहजिया संप्रदाय बाबाजी संप्रदाय वो लोग हरे कृष्ण महामंत्र को जोर से नहीं बोलते, वो बोले नीताय गौर राधे श्याम हरे कृष्ण हरे राम, अब कोई कहते श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद हरे कृष्ण हरे राम श्री राधे गोविंद। देखना जो बाबा जी लोग है ना, ये हरे कृष्ण को कभी तुम लोग कभी नहीं देखोगे, हरिदास मंदिर में जाना देखना क्या नीताय गौर राधे श्याम हरे कृष्ण हरे राम, और किसी मंदिर में जाओगे क्या देख श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद हरे कृष्ण हरे राम श्री राधे गोविंद है, वृद्धा करता बजाव देना यही यही कीर्तन करते करते जाते हैं, कभी उनको नहीं देखोगे ये हरे कृष्ण महामंत्र को कभी करते हुए नहीं देखोगे है। इसलिए क्या कर नीताय गौर राधे श्याम भज हरे जप हरे कृष्ण हरे राम है, हरे कृष्ण हरे राम क्या करो इसको जप करो, और नीताय गौर राधे श्याम को क्या करो उसको कीर्तन करो, इसको कीर्तन करो और इसको जप करो है। इसलिए ऐसे इसलिए बड़ी गड़बड़ी है। देखो यहाँ प्रभुपाद कुछ विचार देती है चीज अच्छे तरह समझो, जैसे हम लोग जो मंत्र जैसे मंत्र करते हैं ना गुरु मंत्र जैसे कृष्णाय गोविंदाय हैं, ये जो शब्द करते हैं तुम देखे ना उसमें जैसे चतुर्थी चतुर्थी का एक वचन में क्या होता है, कृष्ण शब्द का चतुर्थी वचन में एक वचन क्या होता है, जैसे कृष्णाय हैं गोविंदाय हैं गोपी जन वल्लभाय हैं, कहते जो यह शब्द ये समर्पित शब्द है समर्पित, ये उड़ीसा में उड़िया में पाई पाई ना पाई के लिए भगवान के लिए। इसलिए जो मंत्र है जैसे मंत्र नियम है उसको मंत्र करते समय कभी जीवा भी नहीं हिलनी चाहिए, मंत्र को मन मन में करना चाहिए है? मंत्र को मन मन में करनी चाहिए। इसलिए जो हरे कृष्ण महामंत्र में हरे कृष्ण महामंत्र है उसमें जो शब्द है ये सब का सब संबोधनात्मक शब्द, जैसे तुम लोगों ने कृष्ण शब्द याद किया संबोधन में क्या होगा, जैसे कौन सा बालक का शब्द याद किया ना संबोधन में क्या होता बताओ क्या, बालक है बालक है इसलिए हे राम तुम लोगों ने याद ही किया ना बालक 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 बालक, इसलिए वो संबोधन में हो जाता हे बालक है ये संबोधन में। इसलिए संबोधन में होने का नाते कहते ये जो संबोधन जैसे हम किसी व्यक्ति को संबोधन करके बुलाते हैं, संबोधन मतलब किसको स्वागत करके संबोधन करके प्यार से बुलाते हैं, इसलिए जो हरे कृष्ण महामंत्र है ये एक श्लोक है, एक श्लोक है। श्लोक में जैसे हरे कृष्ण जो हरे शब्द होता है इसका मूल शब्द हरा, जैसे लता शब्द याद किया है ना लता शब्द तुम कौन कौन सा आकार कोई याद किया है आकार शब्द आकार गंगा तुम लोगों को क्या क्या दिया लोग ने दिया कि नहीं महाराज ने अभी तो याद नहीं किया ना, इसलिए जैसे लता शब्द लता लते लता लता लते लता लतायम लता भयम लता भी ये अकारांत स्त्रीलिंग है अकारांत, इसलिए इसका मूल शब्द हरा, जो हरे शब्द हुआ इसका मूल शब्द हरा है हरा शब्द, लेकिन संबोधन में हो जाएगा संबोधन में क्या हो जाएगा हे हरे, इसलिए जो श्लोक है जो हरे कृष्ण महामंत्र एक श्लोक ही हरे, इसलिए कृष्ण जैसे बालक शब्द याद किया संबोधन में जैसे हे बालक है उसी तरह इसमें हे हरे कृष्ण बालक हे कृष्ण, इसलिए हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे, ये जो महामंत्र है ये सबके सब यहाँ पर संबोधन शब्द प्रयोग हुआ हरे कृष्ण राम हरे राम, इसलिए सबके सब यहाँ संबोधन पद प्रयोग किया, सप्तमी के बाद में संबोधन है सप्तमी के बाद में ये संबोधन ये महामंत्र है, इसलिए ये जो शब्द ये संबोधन होने का नाते इसलिए कुछ कुछ बाबा जी लोग सहज या लोग कहते नहीं हरे कृष्ण ने महाप्रभु ने बोले यह जप किया सब करिया
निर्बंध। इसको क्या करो, यह जप, क्या करो, इसको जप करो। महाप्रभु तो बोले ही नहीं कीर्तन करने के लिए, ये गौड़ी मठ तो उल्टा करता है, हैं? यह जप किया सब करिया निर्बंध, इसको नियम करके क्या करो, इसको जप करो। महाप्रभु कहां बोले कीर्तन करने के लिए। लेकिन यहाँ पर प्रभुपाद कह रहे हैं, यहाँ पर जितने शब्द है ये सब संबंधनात्मक शब्द है, ये सब संबंधना, इसलिए होने का नाते ये कीर्तन है। इसलिए महाप्रभु क्या बोले, परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम है। फिर महाप्रभु क्या बोले बाद में, फिर महाप्रभु बोलते हैं सर्व द्वारा केवल जप करा। इसलिए यहाँ पर महाप्रभु जितने तुम शास्त्र ग्रंथ पढ़ो, महाप्रभु जैसे भक्तों के साथ में कीर्तन करते थे, बोले कौन सा कीर्तन करते थे भक्तों के साथ में, जो नगर संकीर्तन करते थे, क्या कीर्तन करते थे, हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन करते थे, हरिदास ठाकुर जी नामाचार्य हरिदास ठाकुर जी, ये 3 लाख हरिनाम करते थे, 3 लाख हरिनाम करते थे, तो 1 लाख हरिनाम कैसे करते थे, जोर जोर से करते थे ना, जोर जोर से करते थे ना। जब हरिदास ठाकुर को पूछा गया, ठाकुर जी आप इतने चिल्ला चिल्ला कर क्यों हरिनाम कर रहे हो, हमने सुना मंत्र को मन मन में करनी चाहिए, अब चिल्ला चिल्ला। हरिदास ठाकुर क्या बोले, बोले कोई व्यक्ति कमा करके अकेला खाता है, कोई व्यक्ति कमा करके पूरा परिवार को खिलाता है, बताओ दोनों में बड़े कौन है, बोले जो परिवार को खिलाता है, बोले उसी तरह जो व्यक्ति मन मन में करता है वो अपना कल्याण करता है, लेकिन जो व्यक्ति उच्च स्वर से हरिनाम करते पर उपकार करे, तो उनने शास्त्र से श्लोक को उद्धृत किया, जपो तो हरिनाम निस्ताने सत्तो गुणाधिक। जो मन मन में जप करते हैं, जो उच्च स्वर से करते हैं, कहते मन मन से जो करते उससे 100 गुण ज्यादा फल मिलता है, जो जोर से करते, जो जोर से करते हैं। हाँ, दूसरा उदाहरण है, जैसे हरिदास ठाकुर जी को पास में जो वैश्या आई, जिस समय ये वैश्या आई है, वैश्या आने पर तो हरिदास ठाकुर जी उनको क्या बोले, बोले देखो उनका संग प्रार्थना किया, इतने सुंदर तुम शरीर ब्रह्मचारी, इतने सुंदर शरीर, 26 साल उम्र के एकदम सुंदर डोल डाल सुंदर थे, एकांत गंगा किनारे जिसमें कलकल नाद से गंगा बह रही, कुटिया सुंदर तुलसी, एकांत विख्यात जो 10 लक्ष्य हीरा वेश्या गई थी, बोले इतने सुंदर तुमने स्थान में, तुम क्या इसकी जौवन को क्यों बर्बाद कर रहे हो, देखो मैं कितने सुंदर ही, तो कितने सुंदर है, जिसे संग प्रदान करो। हरिदास ठाकुर साधु, जैसे हम वैष्णव संग करते हैं ना, साधु संग करते, बोले अच्छी बात है, मेरी संग चाह रहा, जैसे हम साधु संग करने जाते हैं, पर साधु हमें क्या देते हैं, हरि कथा हरि नाम देते हैं, ऐसे बोले अच्छी बात है, लेकिन ये तो गलती बात से, गलती भावना से, लेकिन हरिदास ठाकुर उसको उल्टा भाव से लिए, बोले देखो मेरा नियम है, जब तक मैं 3 लाख हरि नाम नहीं कर लेता हूँ मैं कोई काम नहीं करता हूँ, और बैठो, बैठ करके तुम हरि कथा हरि नाम सुनो। तो उन्होंने क्या किया हरिदास ठाकुर ने, बस जोर जोर से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, जोर जोर से हरि नाम किया। इसलिए चैतन्य भागवत में कहते सुना, मतलब बैठ करके सुना मैं जो बोलता हूँ, तो उन्होंने बैठ बैठ क्या हुआ, 3 दिन में उसका हृदय परिवर्तन हो गया। कहते सही वैश्या परम महान्ति बड़ा बड़ा वैष्णव अवतार दर्शन ते जानती, परम महान्ति हो गई, बड़े बड़े साधु जिनको दर्शन करने के लिए जाया करते थे। इसलिए सड़ोग स्वामी अष्टगमी तुम लोग पढ़ते हो ना, हरे कृष्ण इत उच्च स्फुरीत रसना नाम गणना, ये ना रूप गोस्वामी कह रहे नहीं, इसमें चैतन्य महाप्रभु का अष्टक है, चैतन्य महाप्रभु का, रूप गोस्वामी कहते हैं महाप्रभु क्या करते थे, हरे कृष्ण इत उच्च स्फुरीत रसना नाम गणना, महाप्रभु स्वयं हरि नाम को हरे कृष्ण उच्च ही हरे कृष्ण महामंत्र को उच्च स्वर से बोलते थे हैं। इसलिए बहुत सारे पुराण में बताया गया हरि नाम क्या है, ये संबोधनात्मक है, ये चतुर्थांत नहीं है, ये संबोधनात्मक, लेकिन जितने हम लोग मंत्र जप करते हो चतुर्थांत है, इसलिए जो मंत्र को क्या करनी चाहिए हम लोग उसको मन मन में करते हैं, लेकिन महामंत्र ये संबोधनात्मक, इसको जोर से करनी चाहिए। इसलिए यहाँ प्रभुपाद टीका में कहते हैं, यहाँ पर कहते ये भी मत समझो केवल हरे कृष्ण महामंत्र को जोर से करनी चाहिए और मन मन में नहीं करनी चाहिए, मन मन में करनी चाहिए। इसलिए हरिदास ठाकुर जी 3 लाख हरिनाम करते थे, 1 लाख हरिनाम तो जोर जोर से, और 1 लाख हरिनाम कैसे करते थे, जो कान तक सुनाई पड़े, और 1 लाख हरिनाम कैसे करते थे, मन मन में। इसलिए हरिनाम क्या, उसको उच्च स्वर में कर सकते हैं,
और उपास जप में कर सकता हूँ, उसको मन मन में भी कर सकता हूँ। हर तरह से भगवान का नाम को हम लोग हर तरह से नाम को हम कर सकते हैं। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं, महाप्रभु ने बोले देखो भक्तों को बुला करके, क्या बोले भक्तों को बुला करके, बोले सबे हाथे ताली दिया, क्या करो दस पांच मिली निज द्वारे ते बसिया कीर्तन कर सबे हाथे ताली दिया। महाप्रभु ने क्या बोले, दस पांच मिलकर बैठ जाना, बैठ करके घर को सामने बैठ कर क्या करो, अगर मंजिला मृदंग अच्छी बात है, लेकिन अगर ये भी नहीं हो क्या करो, हाथ में ताली देते हुए क्या करो, सबके सब हरि कीर्तन करना। इसलिए हमारे उड़ीसा में देखना, उड़ीसा में पहले गांव गांव में तो यही होता था, हर गांव में हमारे उड़ीसा में जब मैं छोटा बच्चा था हमारे गांव में रोज कीर्तन होता था है? और जैसे हम बच्चे लोग मिल जाते थे, मिल करके मृदंग ले लेते थे, मजरा ले लेते थे, लेकर के पूरा गांव में कीर्तन तुलसी परिक्रमा करते थे और गांव में हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन करते थे, महामंत्र कीर्तन करते थे। लेकिन क्या है, हमारे उड़ीसा में भी ये जो बाबा जी लोगों का बहुत भी प्रचार है, गांव में भी निताई गौर राधे श्याम हरे कृष्ण हरे राम है, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद हरे कृष्ण हरे राम, हमारे उड़ीसा में बहुत प्रचार, क्योंकि इन लोगों ने प्रचार भी किया है। लेकिन जब हम लोगों ने धीरे 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 जब हम लोग गए गांव गांव में प्रचार किया, फिर उनको धीरे 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 उनको भी हमने बदलाया। जब मैंने उड़ोगड़ा में कथा करने के लिए गया था, वहां पर भी जो मैं कथा कर रहा था, कुछ लोगों ने मेरे को बोले महाराज जी आप तो ये हरे कृष्ण महामंत्र को जोर करते हो, लेकिन यहाँ पर और एक दल है जो लोग ये हरे कृष्ण महामंत्र को जोर से नहीं करते हैं और निताई गौर राधे श्याम हरे कृष्ण हरे राम इसको करते हैं, इसलिए आप इसी विषय पर कुछ बोलना। फिर मैंने इस विषय पर मैंने बहुत कुछ बोला है, समझाते हुए सबको बोला है, समझाते हुए बोला हरिदास ठाकुर कैसे किया, नरोत्तम दास ठाकुर कैसे किया, सड़गो स्वामी ने कैसे किया, महाप्रभु ने कैसे किया, बड़देव विद्याभूषण कैसे किए, कभी यहाँ तक तो ये सब सही आया, नरोत्तम यहाँ तक तो सब आया, लेकिन इसको बाद में कहते श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज का दो शिष्य हो गए, कहते एक तो भक्ति विनोद ठाकुर हुए और एक चरण दास बाबा जी जो बाबा जी हो गए, जिन्होंने जब हो गए तो एक तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोले बोले मेरे को जब उन्होंने श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद हरे कृष्ण बोलने लग गए तो बोले भैया तुमने ये नाम कहाँ से पाए, बोले स्वप्न से, कैसे मिले स्वप्न से, हमें स्वप्न से मिला। इतने में श्री भक्ति विनोद ठाकुर क्या बोलो, ऐसे कुछ राधा रमण ऐसे, किसने बोले हमको स्वप्न से मिला है, जब स्वप्न से मिले बोले भैया अगर तुम बोलोगे हमको स्वप्न से मिला, लेकिन ये नाम तो महाप्रभु ने नहीं लिया, हरिदास ठाकुर ने नहीं लिया, इसको कोई हमारी गुरु परंपरा में नहीं लिया है, उसमें भी दो दल है हरे कृष्ण हरे राम श्री राधे गोविंद और एक दल, दोनों दल में भी लड़ाई। इसलिए जो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद कहते हैं वो कहते हैं ये क्या श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद हरे कृष्ण कहाँ से मिला इनको, और वो इनको काटते हैं, वो दोनों के काटते हैं है? दोनों को। इसलिए अगर हम बोलेंगे मेरे गुरुदेव को ये मिला, मेरे गुरुदेव को ये मिला, मेरे शास्त्र का क्या जरूरत है, पर अपना अपना गुरुदेव को स्वप्न में मिलते रहे ना, अपना अपना नया नया मंत्र। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं गौर जे लो आई लो नाम सही नाम लो, महाप्रभु ने जो नाम लिया, हमारे हरिदास ठाकुर जो नामाचार्य इन्होंने जो नाम लिया सही नाम लो, आर जो तो छड़ा नाम दूरे रेखे दाम, परवर्ती समय में जो इधर उधर से नाम निकला है उसको क्या करो, उसको दूर में उसको रख लो, उसको दूर में उसको रख लो। महाप्रभु ने जो लिए, उनका परिकर लोगों ने जो लिए, केवल वही नाम को ही हमें ग्रहण करनी चाहिए। इसलिए यहाँ प्रभुपाद कहते महाप्रभु ने ये सब चीज शिक्षा दिया है, इसलिए महाप्रभु बोले ना, महाप्रभु बोले जो हरे कृष्ण महामंत्र मैंने दिया है या जो जप शब्द उन्होंने बताया, कभी ये जप नहीं, कभी ये कीर्तनीय भी, जप भी है, स्मरणीय सब कुछ ये महामंत्र। इसलिए हमारे देखना जो अष्टप्रहर होता है हमारे देश में, अष्टप्रहर में कौन सा नाम लेते हैं उड़ीसा में, क्या बोलते हैं तुम लोग सुने कि नहीं, अष्टप्रहर होता है ना उड़ीसा में, क्या कौन सा नाम ग्रहण करते हैं अष्टप्रहर में, लेकिन हमारे गांव में ये हरे कृष्ण महामंत्र लेते हैं, यही ना, इसलिए क्योंकि इन लोगों ने ना बाद में ना
ये सब प्रचार किया है, इसलिए तुम लोग अभी धीरे 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 अच्छे तरह से चीज को सीखो, सीख करके उड़ीसा में है पुनः है कभी धारा को, प्रभुपाद का धारा को, महाप्रभु का जो शुद्ध धारा को जगत में जा जाकर सर्वत्र प्रचार करो और लोगों को अच्छे तरह से चीज समझाओ। देखो एक ग्रंथ है होगा तो मैं तुम लोगों को ग्रंथ दूंगा तुम्हारे आईपैड में, उसका देख लेना तमाल वो आईपैड में, उसमें हरि नाम का ग्रंथ। क्या उन्होंने बताया, क्या उन्होंने ठोस विचार बताया चैतन्य भागवत में, कहां कहां पर है चैतन्य भागवत में ये हरे कृष्ण महामंत्र को करने के लिए कहां कहां पर उन्होंने चैतन्य भागवत से, चैतन्य चरितामृत से कहां से उठा करके उन्होंने समझ दिया है कैसे ये हरे कृष्ण महामंत्र को उच्च स्वर में बोलनी चाहिए। क्या उन्होंने प्रमाणित किया, अद्भुत ग्रंथ मैंने देखा, मैंने पहले भी वो ग्रंथ नहीं देखा, अद्भुत रूप में स्थापन किया वहां पर है ये हरे कृष्ण महामंत्र को उच्च स्वर में करनी चाहिए, यही महाप्रभु का यही सिद्धांत है, है? इसलिए संकीर्तन कर ले ये तो मां सभा करे स्त्री पुत्र बाप मिली कर गया घरे। इसलिए महाप्रभु क्या बोले, कहते तुम लोग सब लोग मिलकर क्या करो, क्या करो सब जाकर सर्व जगह में हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तुम लोग यही हरे कृष्ण महामंत्र को करो। बोले प्रभु मुखे मंत्र पाई सवार उल्लास दंडवत करी सबे चले निज वास। महाप्रभु ने जब उन्होंने हरे कृष्ण महामंत्र को सबको दिए ये हरि नाम हरे कृष्ण महामंत्र करो, तब उस समय क्या हुआ प्रभु मुख्य मंत्र पाई सवार उल्लास। ये मंत्र जब महाप्रभु का मुंह से भक्तों को मिला, भक्त लोग बड़े प्रसन्न हुए, तो उन्होंने क्या महाप्रभु को दंडवत करते हुए अपना घर में गए हैं। महामंत्र चतुर्मंत्र प्राप्त सकल उल्लास। इसलिए कहते निरवधि सबई जपेन कृष्ण नाम प्रभुर चरण काय मने करी ध्यान संध्या होइले अपनार द्वारे सब मिली कीर्तन करन सबे दिया कर ताली। यहाँ पर कहते हैं कहते निरवधि जपेन सबई कृष्ण नाम। यहाँ पर जो शब्द आता है जो जप शब्द कहता है, कुछ कुछ लोगों का धारणा तो जप करने के लिए बताया, इसको तो धीरे धीरे करनी चाहिए। देखो दूसरे लाइन में क्या कहते हैं बोले संध्या हैले अपनार द्वारे सब मिली। जब शाम हो जाता है सब भक्त क्या करते अपना द्वार में मिल करके बोले करे कीर्तन सबे किया कर ताली। क्या करते हैं बोले कीर्तन करे न सबे दिया कर ताली, सबके सब कर ताली बजाते हुए कर में हाथ में ताली बजरा मृदंग हो जिसको जिस घर में जाप जो है क्या करते हैं सबके सब कीर्तन करते हैं सबके सब हुँ? इसलिए नित्यम ग्रीन तस्य सोचेष्टितम बोले श्रीनताम श्रद्धया नित्यम गृणस्तस्य सोचेष्टितम नाति दीर्घे न कालेन भगवान विशते। भगवान इसका मतलब क्या, श्लोक याद है, श्लोक श्लोक याद करवाए था अभी तो बोल रहे थे। इसलिए कहते हैं अगर ये भगवत नाम को अगर कोई ग्रहण करते हैं बोले नाति दीर्घ है न कहा लेना, भगवान का नाम करने से जल्दी है नाति दीर्घ है न कहा लेना भगवान विशत हृदय। भगवान नाम के माध्यम से भक्तों के हृदय में भगवान की निवास हो जाता है। यही मन नगरे नगरे संकीर्तन, यही मत नगरे नगरे संकीर्तन, तब भक्त लोग संकीर्तन कर देंगे। इसलिए कराइते लागिले न शरीर सचिरनंदन है। इसलिए महाप्रभु भक्तों को लेकर कीर्तन करते थे बोले सवारी उठिया प्रभु आलिंगन करे आपान गलार माला देन सभा करे। महाप्रभु ने क्या किया, अपना गले में जो माला था सबको ने महाप्रभु ने सबको प्रदान किया। इसलिए देखकर क्या किया बोले दंत तृण करी प्रभु परिहार करे अहर्निश भाई सब बजह कृष्ण रे। इसलिए महाप्रभु है दंत तृण धारण करते हुए सबको क्या आदेश महाप्रभु दे रहे हैं, अहर्निश भाई भज सब भज रे कृष्ण रे,
तुम लोग क्या कर सकते, सब कृष्ण भजन करो। प्रभु रो देखिया आरती कांदे सर्व जन, काय मन वाक्य लय लेन संकीर्तन। क्या कहते संकीर्तन? संकीर्तन किसको कहते हैं? बहुमिल्यता जदेव कीर्तनम तदेव संकीर्तन। संकीर्तन उसे कहते हैं जब बहुत लोग मिल करके उच्चे स्वर से कीर्तन मजीरा लेकर कीर्तन करते हैं, उसको संकीर्तन कहते हैं। इसलिए समझ बात, उसी समय में क्या था, यहाँ पर कह रहे, यहाँ पर कह रहे प्रभुपाद कह रहे, उस समय क्या था, देवी पूजा करते थे कलकत्ता बंगाल में, देवी पूजा करते थे। देवी पूजा में क्या करते हैं, देखना नगड़ा बजा था ना, क्या हम लोग उड़िया में क्या बोलते हैं, ढोल को बजा, ढोली ढोल बजाता है। कभी यहाँ पर कह रहे हैं, कभी वहां पर जितने नगरिया सब थे ना, देवी पूजा के लिए जितने सामग्री था है, देवी पूजा करते थे, जितने देवी पूजा के लिए सामग्री करताल मजीरा जो ढोल की फुलक था, सबके सब उन लोगों ने सबके सब ले लिया, लिए कर क्या किया, बस सबके सब कीर्तन करना शुरू कर दिया। सारे भक्त लोग ने जो देवी पूजा के लिए सामग्री किसमें कैद करने लग दिया, सबके सब महाभगवान का कीर्तन में सबके सब जब लगा दिया। इतने में जो श्रीधर है, जो उसी समय गांव में श्रीधर था, गांव की कोड़े में रहता था श्रीधर, रह करके जोर जोर से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये जोर जोर से कीर्तन करता था। लेकिन वो अकेला था ना, गांव में अकेला था, इसलिए लोग उसकी निंदा करते थे, बोले घर में तो खाना पीना मिलता नहीं, दिन भर रात में नींद नहीं आता, बेटा क्या करता है, रात भर चित्कार करता रहता है। लेकिन अभी क्या हुआ, अभी बहुत सारे भक्त हो गए ना, इसलिए श्रीवास मंडी तो क्या बोले, गोष्ठो वर्धताम। जैसे गांव में कोई अकेला भक्त हो, तिलक कंठे माला लगता है, सारा लोग अगर निंदा करेगा तो फिर छोटा हो जाता है। लेकिन अगर गांव में दल बन जाए ना, है बाहर दल अगर बन जाए, खुश हो जाते, अरे अभी हमारे दल में भी कुछ लोग है। इसलिए श्रीधर ने देखा, अरे वाह ये तो बहुत बढ़िया हो गया, यहाँ पर तो अभी बहुत भक्त हो गए, ऐ श्रीधर प्रसन्न हो गए। लेकिन हर जगह में कुछ ना कुछ उल्टा लोग होते हैं, भले गांव में देख लेना। अब जैसे कौन सा गांव जो जहाँ पर अभी बहुत बड़ा प्रोग्राम होने का था, कौन सा गांव, बचपन में करते थे कुमारी पारी, अभी कुमारी पारी में प्राय करके लोग बदल गए, प्राय करके प्राय लोग बदल गए। लेकिन पहले से कुछ लोग कुछ उल्टा पुल्टा संप्रदाय में, कौन सा है ऐसे ऐसे कुछ लोग है, लेकिन अभी तक भी वो बदले नहीं। लेकिन प्राय करके पूरा गांव का गांव पूरा भी है हमारे इस संप्रदाय में आ गए सब। लेकिन अभी भी कुछ लोग वहां पर, जैसे एक भक्त घर में कीर्तन हुआ, उन्होंने फोन कर दिया, उस समय कोरोना का शुरुआत हुआ था, बोले क्या ये लोग अभी कीर्तन कर रहे। फिर उनका फोन आया, हाँ पुलिस का फोन आया उन घर में, चार पांच बार फोन आया, क्योंकि हम लोग कीर्तन कंटिन्यू कर रहे थे, नगर कीर्तन किया, फिर घर में एक भक्त घर में बैठकर कीर्तन कर रहे थे। वो बोला था पांच छह बार पुलिस का फोन आया मेरे पास में, फिर से थोड़ा धीरे धीरे करो। इसलिए कहते हर जगह में कुछ उल्टा पुल्टा लोग होते हैं, इसलिए। लेकिन कुछ कुछ उल्टा पुल्टा जो लोग थे, वो लोग क्या करते थे, उनको परिहास करते थे, बोले घर में वस्त्र नहीं, घर में खाने के लिए भात नहीं है, और देखो भाव दिखाता है, हरे कृष्णा कोई काम धाम नहीं है। इसलिए कभी दिन में, अभी दिन नहीं हो, दुर्गा पूजा कहाँ शुरू कर दिया, ये ढोलकी फोलकी क्यों बजने लग गया। लेकिन ढोलकी फोलकी उन्होंने कृष्णा कीर्तन में लगा दिया। इसलिए यहाँ पर श्री चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया, ये हरे कृष्ण महामंत्र को महाप्रभु स्वयं उनकी मुख निश्रित महामंत्र है। इसलिए महाप्रभु ने क्या किया, सवारे उठिया प्रभु आलिंगन करे, अपन कलर माला दिल सवा करे। महाप्रभु ने क्या किया, जो हरेक सभी को गला में अपना गला का माला दिया, मतलब क्या है, महाप्रभु ने सबको आदेश दिया। ये जो माला देना मतलब होता है, ये गले में माला मतलब क्या, ये हरे कृष्ण महामंत्र का जो माला है सबको गला में पहना दिया, मतलब क्या करो तुम लोग भी यही हरि नाम कीर्तन को तुम लोग भी क्या करो। इसलिए महाप्रभु की धारा में जो भक्त लोग आए हैं क्या कर रहे हैं, वो भी इसी धारा में, सबके सब इसी धारा में चलते हैं। ठीक है, हम भी चलो, हम भी थोड़ा कीर्तन करते हैं। अब देखो कल से ये क्लास बदल देंगे, ये क्लास कल से किसी समय नहीं होगा, ये क्लास होगा
5:30 से 6:30 तक हो जाएगा, शाम को तिथि के लिए। इसलिए 5:30 से 6:30 तक ये क्लास होगी, है 6:30 तक। और तुम लोग 5 बजे कीर्तन में बैठ जाना, कीर्तन में 5 बजे कीर्तन में बैठ जाना, आधा घंटा कीर्तन हो जाएगा। और फिर आधा घंटा कोई नहीं घंटा कथा भी, कोई नहीं घंटा, कोई नहीं सब, कोई नहीं घंटा, मतलब 40-45 मिनट कथा हो जाएगी और कीर्तन भी आधा घंटा हो जाएगी। ठीक है, कल से कितने बजे से? 5 बजे से। क्यों? कारण है महाराज बोले अभी बच्चों को 9 बज जाता है, अभी प्रसाद पाएंगे, प्रसाद पाते पाते फिर 10 बज जाएगा, फिर सोते सोते 11 बज जाता है, फिर सवेरे मंगल आरती में आने में कष्ट होता है। इसलिए बोले इसको बदला दो, बदला करके इसको कर दो। और जो सवेरे, हाँ सवेरे कितना बजे आरती 10 मिनट आगे हो जाएगा, कितना बजे? 4:30 बजे शुरू करना, ठीक है 4:30 बजे। और उसके बाद में 1.5 घंटा सबको फ्री, 1.5 घंटा से थोड़ा ज्यादा है, सबको 1.5 घंटा से ज्यादा सबको। तुम लोग अपना अपना हरिनाम करो, अपना अपना जो ग्रंथ पढ़ना, जो कुछ पढ़ाई करो। उसके बाद में कितना बजे कीर्तन में बैठेंगे बोले? 7 बजे ना, 6:30। इसलिए 1.5 घंटा है, 1.5 घंटा से भी ज्यादा समय है, पौने 2 घंटा है। इसलिए उसमें जो कुछ अपना पढ़ाई करो, विश्राम करो, हरिनाम करो, सब कुछ करो अपना, ठीक है। आधा घंटा केवल कीर्तन, उसके बाद में कथा है, उसके बाद में तुम लोग समय को कम कर दिया, समय को करो, क्यों तुम लोग सब शास्त्र वास्त्र पढ़ रहे हो, गीता याद कर रहे हो, संस्कृत पढ़ रहे हो, इसलिए समय को थोड़ी सी तुम लोगों के लिए ज्यादा समय दिया जा रहा है, ठीक है। हाँ जो कल से, हाँ सुना, कल से अभी देखो, कल से अभी कृष्ण का जन्मोत्सव, जन्माष्टमी आ रहे हैं ना, जन्माष्टमी आ रहे हैं, इसलिए तुम लोग भी कोशिश करना कृष्ण का कथा बोलने के लिए कुछ थोड़ा थोड़ा संग्रह करना, क्योंकि पूरा हमारे जितने ग्रंथ में कृष्ण कृष्ण कथा, पूरा 10वें स्कंद में कृष्ण तत्व है, पूरा चैतन्य चरितामृत में चैतन्य, सब कुछ बहुत बहुत सारी अलग अलग प्रभु महाराज के पास में कृष्ण तत्व के ग्रंथ, वो ग्रंथ भी तुम लोग पढ़ सकते हो। कृष्ण कथा तो बहुत है, कृष्ण तत्व तुम लोग कोशिश करना। गुरुदेव जब मथुरा में रहते थे, हम लोग भी 10-15 दिन से पहले तैयारी करते थे, क्योंकि गुरुदेव सबको बोलते थे। उसमें क्या होता है देखो, इसमें एक बहुत बड़ा चीज है, जब तुमको बोलने के लिए चाहोगे तुम्हारे दिमाग इधर उधर पर नहीं जाएगा, नहीं है। हम क्या करेंगे, कृष्ण तत्व कहाँ कहाँ पर कृष्ण तत्व, उसको हम संग्रह करेंगे, उसका हम पढ़ेंगे। इसलिए हम लोग क्या करते थे, मथुरा में राधाष्टमी आएगा, राधाष्टमी में 3-4 दिन तक कथा होती थी। अभी मैंने सुना वृंदावन मथुरा में कृष्णदास बहुत सारे ब्रह्मचारियों को बलदेव तत्व है, बलदेव तत्व को सबको उन्होंने बुलवा रहे हैं, सबके सब गुरुदेव रहते समय भी होता था। इसलिए तुम लोग भी कोशिश करना कृष्ण तत्व को शास्त्र में ढूंढने के लिए, ढूंढोगे तो मन कहाँ लगेगा, कृष्ण चिंतन मिलेगा, कृष्ण चिंतन, ठीक है। इसलिए कल हम सोच रहे हैं जन्माष्टमी तक कोशिश करेंगे कृष्ण कथा सुनने के, ठीक है। कृष्ण कथा हम 10वें स्कंद से हम कोशिश करेंगे, विश्वनाथ टीका के साथ में कृष्ण कथा को हम कोशिश करेंगे 5-6 दिन इसे कृष्ण कथा हो जाए, ठीक है। कृष्ण में तन्मय था, हरे कृष्ण बोले, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna Hare Rama Hare Rama Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare
हरे राम हरे राम 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 हरे हरे Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna Nitai Gauranga Jaya Nitai Gauranga Jai Sachinandana Jai Gaurahari Jai Sachinandana Jai Gaurahari Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Bala Hare Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. हरे कृष्णा, जो लोग YouTube में कथा सुन रहे हैं, कल से ये कथा 5:30 से लेकर के शाम को 6:30 तक कथा होगी। हमने सुना कुछ कुछ भक्त लोग